घर में रखी जलाओ लकड़ियां और चूल्हे पर खाना बनाती महिलाएं, ये दृश्य बड़वानी के वार्ड नंबर 3 का है। इन महिलाओं का नाम सुनीता बाई और गुंजिया बाई है। ये महिलाएं चूल्हे पर खाना इसलिए बना रही हैं कि इनका कहना है कि वर्तमान में गैस टंकी के भाव आसमान छू चुके हैं, महंगाई भी आसमान पर पहुंच चुकी है। वर्तमान में गैस टंकियों के भाव 900 रुपए से ज्यादा हैं और ये लोग मजदूर पेशा घर से हैं, ऐसे में इनके लिए गैस का रिफिल कराना संभव नहीं। इन महिलाओं को उज्ज्वला योजना अंतर्गत गैस टंकी भी मिली है, लेकिन ये कहती है कि बड़े महंगाई के दौर में ये लोग गैस टंकी का रिफिल तक नहीं करा पा रही है, इसलिए जंगल से लकड़ियां लाकर इस तरह चूल्हे पर रोटियां बना रही है। आइए आपको सुनाते हैं क्या बोली महिलाएं। कैसे मिला? उज्ज्वला योजना में। क्या उपयोग करते हो आप? एक ही बार जब भर के दिया था, जब उपयोग किया, जब से पैसे ही नहीं है। अब लकड़ी तोड़ के ला रहे, चूल्हे पे खाना बना रहे। कहाँ से लाते हो लकड़ी? जंगल में से, नदी से तोड़ के लाते। जब भरा गई थी नदी, अभी सूख गई, तो वहीं से तोड़ के लाते। क्या है, क्यों नहीं भरवा पा रहे हो सिलेंडर? क्योंकि एक बार दे दी, अभी मजदूरी 100 रुपये है, तो भरवाएं कहाँ से और खाए कहाँ से, इसलिए वैसे ही पड़ी। 300-400 रुपये रहे तो भरवा लेंगे। टंकी नहीं भरा पाते हम। टंकी मिली आप? हाँ मिली। क्यों नहीं भरा पा रहे हो? पैसे नहीं है हमारे। तो फिर कैसे बना रहे हो अभी खाना? चूल्हे पे। तो योजना में टंकी मिली ना? हाँ योजना में मिली। फिर तो मजदूरी 100 रुपये जाते और पैसे कहाँ से लाए, तो पड़ी वैसी की वैसी 950 भराई। उपयोग में नहीं ले रहे हो? हाँ नहीं ले। जब हमने उज्ज्वला योजना और उसके अंतर्गत बांटे गए कनेक्शनों का जायजा लिया, तो मालूम हुआ कि बड़वानी गैस एजेंसियों में जहां 8000 के लगभग गैस कनेक्शन बांटे गए हैं, जिनमें से 2 से 3 हज़ार लोग रेगुलर रिफिल कराते हैं, बाकी कुछ लोग साल में 1 या 2 बार रिफिल कराते हैं और कई लोग ऐसे हैं जो एक बार टंकी लेने के बाद दोबारा रिफिल नहीं कराया। वहीं सेंधवा की अंबरदीप गैस एजेंसी के संचालक प्रशांत परमार कहते हैं, अभी तक उज्ज्वला योजना अंतर्गत 8000 के लगभग कनेक्शन बांटे गए, जिसमें से 2500 से 3000 लोग रेगुलर रिफिल कराते हैं, बाकी 4000 के लगभग लोग साल में 1 या 2 बार रिफिल करवाते हैं। वहीं 500 से 700 लोग ऐसे हैं जो एक बार टंकी लेके गए, बाद में रिफिल नहीं करवाई। अभी तक हमने उज्ज्वला में 8000 से ऊपर कनेक्शन दे चुके हैं, जिसमें से 2500 से 3000 लोग जो रेगुलर भरवाते हैं, और बाकी बचे जो 4000 के लगभग लोग हैं, वो साल में 1 या 2 बार भरवाने आ जाते हैं, और कुछ बचे हुए लोगों ने, जैसे 500-700, वो एक बार टंकी ले गए, उसके बाद से उन्होंने कभी रिफिलिंग नहीं करवाई है। खैर, हमारी पड़ताल में यह भी निकल कर सामने आया कि जिन लोगों ने उज्ज्वला योजना अंतर्गत लाभ लिया है, उनमें से कई लोग पहले से गैस सिलेंडर धारी थे। वहीं यह भी सच है कि वर्तमान में गैस सिलेंडर के भाव आसमान छू चुके हैं, ऐसे में मजदूर पेशा व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं कि वो 900 रुपये से अधिक का गैस सिलेंडर प्रति माह रिफिल करवा सके।